जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 दिन के स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे 15 दिन में आप अपने आप को बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अब लगभग लगभग 15 दिन या कह सकते हैं उससे कम 14 दिन आपके पास बचा हुआ है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आप इस 15 दिन में भी कंसंट्रेशन देते हैं अपना, ठीक है, पूरा फोकस करते हैं आप अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, ठीक है, तो आप 100% गवर्नमेंट कॉलेज जो है पा सकते हैं, ठीक है, टॉप 10 में तो एटलीस्ट जा ही सकते हैं। अब वो मूल मंत्र क्या है कि जिसके जिसके हेल्प से आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं, टॉप 10 का गवर्नमेंट कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं और बेहतरीन ब्रांच में जा सकते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पढ़ना तो अपने यहाँ जगह पे ठीक है, पढ़ाई करनी है, लेकिन कुछ अलग सी ऐसी चीजें भी हैं जिस पे आपको फोकस करना है, और उस पे फोकस करने के बाद ही आप जो है बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस 100% एक्यूरेसी के साथ जो है एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। अब वो क्या चीजें हैं उस पे जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखो, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या किसी भी स्टूडेंट के लिए बन चुका है उसका मोबाइल या फिर उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तमाम तरह की ये बातें, ठीक है। तो ये सब चीजें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं किसी इंसान को। अगर देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमसे लाइव चैट में, कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कि सर मेरा कुछ भी नहीं तैयार है, हम कैसे गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, उसका सीधा सा फंडा है आइसोलेशन। आप सभी जानते हैं ना, आइसोलेशन का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, अपने आप को जो है एक कमरे में बंद कर ले रहा है 10 दिन 15 दिन के लिए, ठीक है, आइसोलेशन 10 15 दिन के लिए ही हो रहा था, ठीक है, उसमें वो कि बाहरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, फैमिली से आपका थोड़ा बहुत मतलब रह रहा था, खाने पीने से लेकर के, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। तो आप क्या कीजिए, अपने आप को कंसंट्रेशन देने के लिए आप 10 15 दिन के लिए, जो 15 दिन आपके बचे हुए हैं उसके उस दिन में जो है आप जो है आइसोलेशन में आइए, मतलब कि दुनिया से थोड़ा सा यहाँ पे जो है किनारे हो जाइए, ठीक है, आइसोलेशन में आइए, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टाटा बाय बाय कर दीजिए, ठीक है, यूज कीजिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लास के लिए। जैसे यूट्यूब पे आपकी क्लासेस चल रही हैं लाइव, तो ये क्लासेस आप ले सकते हैं यूट्यूब पे डायरेक्ट लिंक के थ्रू, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाता है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सीधे लिंक पे क्लिक कीजिए और सीधे आप लाइव जो है क्लास में आइए। अगर आप यूट्यूब खोल के उसको स्लाइड करके देखना स्टार्ट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लंबा वक्त लगेगा, और उसमें जो है दूसरी वीडियोस तमाम जो है आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, एंटरटेनमेंट होने लगेगा आपका, तो कुल मिला जुला के 2 4 घंटा जरूर आराम से वेस्ट हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको कंसंट्रेशन देना है किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है। दूसरी बात, जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। जैसे क्या होता है, खाना तो पकाना सही है, खाना पका रहे हैं, लेकिन उसका जब तक आप रिप्रेजेंटेशन अच्छे से थाली में बढ़िया से जो है खाने को सजाएंगे नहीं, तब तक आपको वहां उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो बावर्ची होता है उसका जो मैक्सिमम इंप्रेशन होता है वो थाली की सजावट पे होती है, उस प्रकार से स्टूडेंट की भी सजावट है, यानी कि जो भी पढ़िए वो सॉलिड होना चाहिए, आपका ठोस होना चाहिए कि जो पढ़िए वो याद रखिए, क्योंकि अब भूलने और रिवीजन करने का समय नहीं है आपके पास, ठीक है। तो रिवीजन करने का समय नहीं है, इसलिए सॉलिड पढ़िए, ठीक है, और ऐसा पढ़िए कि आपको याद रहे, ठीक है। ज्यादातर स्पेशल और शॉर्ट जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, जैसे कि वर्गमूल, घनमूल आपके, ठीक है, उसके बाद इंडिसेस, सर्ट्स, ठीक है, और भी तमाम तरह के घातांक, करणी, जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, ये सभी चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा जो है एक पार्ट, एक यूनिट हो गया, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है पूरा पूरा एक जो है अलग पार्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया। तो ऐसे यूनिट वाइज आप अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए और वहां पे ज्यादातर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। पहले के स्टार्टिंग के 1 से 6, 1 से लेकर के 6 तक के जो मैथ्स में चैप्टर दिए गए हैं उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस है, जिसमें सिलेबस में आपसे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट होता है मैथ्स, दूसरा होता है फिजिक्स,
और तीसरा होता है केमिस्ट्री। तो तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो देखिए 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आते हैं, 25 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आते हैं। तो तीन पार्ट में कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका पेपर डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हम तैयार करा ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो जनरल वालों को 250 प्लस का नंबर चाहिए तभी उनको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ जो है मैथ्स में ध्यान दीजिए कि 30 क्वेश्चन तक आपका कवर हो, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक से ही वो आपका कवर हो सकता है, छोटे छोटे चैप्टर्स, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपका यहाँ तकरीबन कवर होना चाहिए, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन यहाँ कवर होने चाहिए, 10-12 क्वेश्चन यहाँ कवर होने चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ 12-12 24 और 24 यहाँ पे आपका 30, अगर मान लेते टोटल मिला के 25 क्वेश्चन हो जाते हैं और यहाँ 30 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपका टोटल 55 क्वेश्चन हो जाएगा। 55 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लीजिए, 5 चौका 20, साथ में आए 2, 5 चौका 20 और 20 2 22 आपका, तब भी यहाँ पे देखिए 220 नंबर के आसपास आपका आ जा रहा है, मतलब 250 नंबर के अनुमानित है आपका और इसके आसपास आपका आ जा रहा है। ओबीसी वालों का तो एकदम रास्ता यहाँ से क्लियर है, ओबीसी वाले जो हैं, ठीक है, उनको तो सिर्फ 200 नंबर, 200 से प्लस चाहिए, 200 प्लस पे तो एकदम कंफर्म है टॉप 5 के कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। देखिए मेरा यहाँ मोटो सिर्फ ये बताना नहीं है कि आपका सिर्फ एडमिशन हो जाए टॉप 10 के गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो कॉलेज में आप जा रहे हैं, जिस ब्रांच में जा रहे हैं, वो ब्रांच बेहतर है कि नहीं, ब्रांच बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसके लिए बेहतर नंबर चाहिए, बेहतर रैंक चाहिए, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ आपके एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग हो रही है भाई साहब, तो निगेटिव मार्किंग में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर होगा उसमें आपको गलत प्रश्न करके नहीं आने हैं भैया, प्रश्न नहीं कर आएगा तो हाथ जोड़ लीजिएगा भैया, जय श्री राम, उसको छोड़ दीजिए, अगले प्रश्न पे चलिए, ठीक है। तो उसको गलत आंसर टिक करके मत आइएगा, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे इसका मतलब आपका रैंक जो है भागेगा, ठीक है, रैंक जो है आगे भागेगा, ठीक है। इस वजह से आप जो है बहुत सारे बच्चों से पीछे चलते जाएंगे, जैसे एज एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और वही क्वेश्चन दूसरा बंदा सही कर रहा है तो आप 1000 बच्चों से पीछे चले जाएंगे और वो 1000 बच्चों से आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है और आपको गलत क्वेश्चन करके नहीं आना है। तो जनरल वाले 250 के आसपास, ओबीसी वाले 200 के आसपास और जो आपका एससी और एसटी के जो स्टूडेंट है उनका तो भैया मौज है, 150 में प्लस में अगर नंबर पा जाते हैं तो बेहतर से बेहतर ब्रांच मिल जाएगा। और लड़कियों का क्या ही पूछना है भाई, गर्ल्स जो है ना उनका मौज है एकदम, कोई भी कास्ट की लड़की है 150 नंबर से प्लस पाती है या फिर और 120 नंबर से प्लस अगर वो पा जाती हैं तो उनको बेहतर कॉलेज और बेहतर ब्रांच प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि कई सीटें खाली रह जाती हैं लड़कियों की, ठीक है। पॉलिटेक्निक करने वाली लड़कियों की संख्या कम होती है जबकि उनका सीट जो है रिजर्व्ड है, ठीक है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि मैथ्स आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है, तो ज्यादातर आप ग्रुप ए में आप और ग्रुप के वाले जो बच्चे हैं मैथ्स पे फोकस करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिक्स जो जितना कराया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए और केमिस्ट्री जितना कराया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और आपका यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा और इस 15 दिनों में आप काफी ज्यादा सक्सेस यानी कि सफलता पा जाएंगे, ठीक है। और लाइव क्लासेस को डेली फॉलो करते रहिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, अरे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ ना उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, एक एक से ट्रिक्स और टिप्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितने चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपको पसंद पड़ा होगा, ठीक है, और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।